नीतीश कुमार बोले हैं तो जरूर देंगे। ये तेजस्वी यादव पहले भी वादा किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नीतीश कुमार बोले कि 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख लाख नौकरी तो पहले दे ही नहीं रहे हैं, तो 20 लाख की बात ही अलग। सिर्फ जुमला बाल जी है किसी बोलते तो और क्या, वहाँ उनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमेशा से थे वही। सुशासन बाबू का सरकार है, बस उनको वही चाहिए। स्टूडेंट से क्या, स्टूडेंट का क्या उस पर बीत रहा है कुछ नहीं पता। तेजस्वी जी भी नहीं देंगे, नहीं ये तो कन्फर्म है कि अब मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। जो ये 10 लाख का वादा है ना, हमको तो नहीं लगता पूरा हो पाएगा। हमें नहीं लगता है सरकार इतना रोजगार दे पाए। हाँ एकदम थक के गए हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश भी थक के गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। मुसल्लापुर हाट में हम मौजूद हैं और आज ही के दिन नीतीश कुमार कह दिए हैं कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे। सुने तो होंगे ये गांधी मैदान वाला जी, जरूर सुने भाषण जो कह ले जी, सुने। क्या लग रहा है आप पहले बताइए, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? देखिए हम लोग जनरल कमीशन का तैयारी करते हैं और मेरा नाम राजा हुआ है। राजा हुआ जी, क्या लग रहा है? देखिए अब नीतीश कुमार बोले हैं तो जरूर देंगे, ऐसा नहीं है कि, और बोलते थे वो पहले भी थे तो अब अभी जो बोले हैं वो नया, मतलब जो तेजस्वी जी के साथ बोले हैं और ये युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस वजह से भरोसा है वो देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बीके यादव हुआ। क्या करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ जनरल कंपटीशन का। तो अब तो नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा? एकदम मिलेगा, नया सरकार बनी है तो। कैसे कह सकते हैं, पहले तो नहीं कहते थे आप लोग, आज कह रहे हैं मिलेगा? अभी फिर से जो सरकार नया बनी है इसमें तेजस्वी यादव पहले भी वादा किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब देखिए अब आया है, अब क्या करेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज में भी आया था कि एक महीना के बाद जो है तो बम्पर वैकेंसी आने वाला है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद गुड्डू। सुने खुले मैदान में क्या? सुने बिल्कुल सुने, बोले बोले हैं तो देंगे ही, जरूर देंगे। लग रहा है बिल्कुल। आप क्या करते हैं? कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जी। क्या लगता है कि कंपटीशन तैयारी करते हैं हो जाएगा इस बार? बिल्कुल होना चाहिए, पहले भी जो बोले थे सरकार कि जो नहीं आया अब आया है, जो देखते हैं। चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? अनिल कुमार यादव नाम हुआ, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो बोले हैं वो होगा? देखिए वो तो पहले भी बोलते थे, इस बार भी बोले, देखिए वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखिए पहले भी बोले थे अभी भी बोल रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? भैया मेरा नाम राजीव कुमार पांडे हुआ। क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं। क्या चीज़? 11th में है। 11th में। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो आज कह दिए हैं कि 10 लाख रोजगार 10 लाख नौकरी देंगे, देंगे? दे दे तो बहुत अच्छी बात है। लग क्या रहा? लगता है तो देना ही चाहिए। हाँ ऐसे तो भैया इस बार तो बहुत ही दंगा उंगा हुआ, खान सर वो सब हुआ, तो दिक्कत है, मगर दे सकते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। गांधी मैदान में आज क्या बोले हैं नीतीश कुमार, मालूम होगा? हाँ हाँ, 10 लाख नौकरी का जो है कि क्या लग रहा है? दवा किए हैं, यो देंगे जरूर देंगे गठबंधन का। हाँ देंगे गठबंधन। आप भी सुने होंगे गांधी मैदान का वो जो नीतीश कुमार बोले हैं। नीतीश कुमार बोले कि 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख लाख नौकरी तो पहले दे ही नहीं रहे हैं, तो 20 लाख की बात ही अलग। सिर्फ जुमला बाल जी है किसी बोलते तो और क्या, वहाँ उनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमेशा से थे वही। सुशासन बाबू का सरकार है, बस उनको वही चाहिए। स्टूडेंट से क्या, स्टूडेंट का क्या उस पर बीत रहा है कुछ नहीं पता। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या लग रहा है, पढ़ के कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? बिहार का वैकेंसी आता है, बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो जाता है तो क्या करेगा बच्चा पढ़ के? आप दिए थे? जी दिए थे। अच्छा गया था पेपर, और क्वालिफाई भी करते। रोना पड़ा, क्या करें, अब कैंसिल हो जा रहा है, पता चला एग्जाम देकर निकल रहे हैं और पता चल रहा है कैंसिल हो गया। तो अभी गांधी मैदान में खुल्लम खुल्ला बोले हैं कि देंगे। नहीं ना देंगे, बोलने से क्या हो जाता है, बोलने और करने में बहुत अंतर है। तेजस्वी जी भी नहीं देंगे, वो भी रोजगार बोल, तो युवा है, वो तो सिर्फ सरकार में आना है, बस बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ क्यों, स्टूडेंट के साथ आज तक 500 इतने साल का सरकार, 18 साल सरकार हो गया और अभी तक नहीं दिए इतना लाख, 10 लाख वैकेंसी होता है ना। खुला मैदान में बोले तो हो सकता है कि कुछ सोचे, बस वो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उससे उसके अलावा और कुछ नहीं है, बस नहीं देंगे। देंगे जरूर देंगे, अभी देंगे देंगे। कैसे इतना भरोसा? भरोसा है, देखिए युवा है, तेजस्वी जी बोले हैं तो देंगे, बोले तो देंगे देंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी, पढ़ाई करते हैं। नीतीश जी जो बोले वो सुने होंगे? हाँ हाँ सुने एकदम। बोले तो हैं कि 10 की जगह 20 किया जाएगा, कर दें तब तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आज के स्टूडेंट को चाहिए भाई जॉब या नौकरी कहीं से भी चाहिए, ये नहीं कि बोल
अब आया है सरकार, नई सरकार आई तो मिलने तो चाहिए, भरोसा है ना। जी भी हमेशा बोलते हैं कि स्टूडेंट का सोचेंगे, स्टूडेंट का सुनेंगे। नहीं, ये तो कंफर्म है कि अबर मिलेगा, ये तो कंफर्म है, सोचे नहीं अबर होगा, ये बात कंफर्म है। नहीं, सिर्फ सोचेंगे। आप क्या, किस चीज़ का पढ़ाई करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं, रेलवे का पढ़ाई कर रहे हैं। रेलवे का? हाँ जी। तो बहुत कठिन एग्जाम होता है, पढ़ते होंगे मन से? हाँ, पढ़ते तो हैं। क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है, बोले थे चुनाव के टाइम भी 19 लाख देंगे, बट दिए नहीं, अभी बोल रहे हैं। ये भी तो देखना पड़ेगा। 19 लाख यार, एनडीए बोला, नीतीश कुमार बोले हैं। चलिए, भाजपा क्या बोला वो नहीं बोला, आज खुले मैदान में नीतीश जी बोले ना। आज आज बोले क्या लग रहा है? हाँ या ना? हमको तो कम लग रहा है, चांस कम लग रहा है। हाँ जी, 20 लाख नौकरी नहीं दे रहे हैं कंफर्म। क्या नाम हुआ? मोहम्मद दाइस। मोहम्मद दाइस, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, क्या लग रहा है जो नीतीश कुमार बोले हैं, होगा कि नहीं होगा? वो तो वक्त ही बताएगा, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लेते हैं, वक्त बताएगा। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, क्या करते हैं? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करते हैं। तो क्या लग रहा है होगा कुछ? नीतीश कुमार खुले मैदान में बोल दिए, असंभव है। असंभव है? असंभव है। लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आए हैं साथ में, तो हो सकता है? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। तेजस्वी यादव जब आ चुके हैं, नीतीश कुमार जब साथ आ चुके, ये गठबंधन की सरकार है, पहली बात तो ये है, दोनों के कंबाइंड लेकर चलना होगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए, दे देगा तब तो, कहने के लिए तो कुछ भी है। कहने के लिए? हाँ, कहने के लिए तो कुछ भी है। क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं ग्रुप डी का, रेलवे का। रेलवे का जी। नाम? अंशु कुमार। नीतीश कुमार खुले मैदान में कह दिए, सुने होंगे? हाँ हाँ। सुन के कैसा लगा? आप कह दिया, अगर ऐसा कर दे तो बढ़िया है। नेता वादा तो करते हैं, लेकिन अब पूरा करे तो ना। पूरा करते हैं कि नहीं? थोड़ा सा इधर आ जाइए। पूरा करते हैं कि नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, और ऐसा अगर बोले हैं तो शायद वो भी कुछ सोच के बोले होंगे, अगर पूरा करे तो ज़्यादा बेटर है। बोलते तो पहले भी थे? जी जी, देखिए अब क्या करते हैं, बोलते तो पहले भी थे, अभी भी बोले हैं, आशा तो कम ही है कि पूरा करेंगे। जो ये 10 लाख का वादा है ना, हमको तो नहीं लगता पूरा हो पाएगा, क्योंकि मतलब होना भी चाहिए उतना वैकेंसी, और क्लियर कहाँ से करेंगे ये बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब कि क्लियर कर देते, मतलब ये बता देते कि कहाँ पे हम देंगे ये 10 लाख, क्रिएट कर देते और बता देते कि उसका कब डॉक्यूमेंट, तो बता देते क्षेत्र किस क्षेत्र में देंगे, ये ज़्यादा जरूरी। क्या लग रहा है, मतलब बस आए बोल के चले गए? लगता तो अभी यही है, मतलब जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ मिलेगा तो कैसे होगा। हम जनरल कमरे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बोले हैं, हमारे सीएम हैं? अब देखिए, आशा तो है, अब कुछ कुछ ना कुछ तो होगा ही। होगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? रेलवे का तैयारी कर रहे हैं अभी। आज नीतीश कुमार खुले मैदान में कह दिए हैं, आप सुने होंगे वो चीज़, तो जरूर सुने होंगे। सुने तो नहीं, आपसे सुन रहे हैं। 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी, बट कुछ देंगे? 10 लाख तो संभव नहीं है। 10 लाख जितना इच्छा हो जाए, लेकिन 10 लाख तो संभव हो जाए, वो सरकार पर निर्भर करता है। इच्छा पे बिहार का रोजगार? हाँ बिल्कुल, क्या कि 10 लाख रोजगार देंगे, फिर 10 लाख को पैसा भी, पेमेंट भी देना होगा, सरकार के पास उतना पैसा रहेगा ना, तब ना पेमेंट सरकार देगी। बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। हमें नहीं लगता है सरकार इतना रोजगार दे पाएगी। करना पड़ेगा। आज इतना दिन से सरकार, सीएम है ना नीतीश सरकार, कितना रोजगार दिए, तो और ऐसे ही बोलते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। जुमलेबाजी है। क्या नाम हुआ? विनीतरा सर। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ का? अभी जनरल रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। खुले मैदान में आपके ही सीएम, हमारे सीएम क्या कहें मालूम होगा? वो तो वैसे तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी मेरे पहले बहुत पहले बोल के बहुत से युवाओं को बरगला के गए हैं, अभी फिर इससे उम्मीद किया है वो है, उम्मीद पे। उम्मीद तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार से आप बहुत दिन से किए, बहुत सालों से उम्मीद पे टिका हुआ है, बस ऐसे आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और बेरोजगार को बेरोजगार करते हुए और जा रहे हैं, उससे बड़ा उम्मीद कोई कुछ भी नहीं तो है। महागठबंधन है, युवा हैं, तेजस्वी यादव, पहले जदयू और बीजेपी दोनों साथ ही थे, उस टाइम भी प्रधानमंत्री हमारे बोल के गए थे बिहार की जनता को और बिहार के युवाओं को, ठग के गए हैं। ठग? हाँ, एकदम ठग के गए हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश भी ठग के गए हैं। अब क्या लग रहा है, जो ये मिल गए हैं तो अब क्या लग रहा है? अभी तो बोल के गए हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री बोल के गए हैं उस तरह इससे ये भी उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बोल के गए हैं, आगे का उम्मीद पर ही टिका हुआ है। उम्मीद पे ही टिका हुआ, युवा सिर्फ उम्मीद पे ही टिका हुआ है, युवा सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि वैकेंसी देंगे। मेहनत करते हैं कि नहीं आप? मेहनत ही कर रहे हैं। तो मेहनत के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, होगा कि सरकार पर डिपेंडेंट होना होगा? सबसे बड़ी बात है कि बिहार की कोई भी वैकेंसी आता है तो पेपर लीक का बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है पेपर लीक। आपके हिसाब से जुमलेबाजी है? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो नहीं मिलेगा। हाँ ना, 50 मिलेगा? 50-50 एकदम कंफर्म? कंफर्म, यस, 50% चांस है। 50% मिलना चाहिए। देखिए, गठबंधन का सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, उम्मीद है। उम्मीद हमको तो नहीं लगता है।
क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। क्या आप किस क्लास में हैं? सिक्स। सिक्स में जी। तो सुनते तो होंगे ही कि आपके भैया लोग जो हैं वो कितना तड़पते हैं जॉब के लिए। ये सुने तो हैं। नीतीश कुमार देंगे? हमको तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? चलिए देखिए, मुसल्लपुर हाट में हम मौजूद थे जब सवाल किए, क्योंकि आज नीतीश कुमार खुले मैदान में, गांधी मैदान में, एक साफ कह दिए हैं कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। जब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, जब उनसे हमने सवाल किया कि क्या लगता है, भरोसा है या 50-50 है, तो क्या कुछ कहना था स्टूडेंट्स का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।